आज हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट केस। अगर एंट्रोपी आप लोगों के लिए अगर नया टर्म है तो इसके पहले जो हम वीडियो बनाए हैं एंट्रोपी को लेकर के, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। एंट्रोपी को लेकर बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, जैसे एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का डिसऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे एंट्रोपी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा कि घट रहा, हीट डेथ कैसे एंट्रोपी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज कितना होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज कितना होता है, इसको लेके बहुत सारे वीडियो बनाए गए। तो आज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एग्जाम में अगर आया एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस तो आप लोग ये पूरा इस ढंग से आप लोग लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट। तो एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस अगर हम निकालना चाहते हैं तो वी हैव टू कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस, और जो कि 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस जो हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो है भी प्रेशर है पी और टेम्परेचर है टी, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू। ये अगर हम गैस या सिस्टम को देंगे तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ए सिस्टम देन दैट हीट वो क्या करेगा, वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और हो सकता है अगर एक्सपांसन हो तो कुछ वर्क डन भी करेगा। तो हम लोग इसको डी यू को सी टी के टर्म में लिख सकते हैं और डी डब्ल्यू को हम लोग डी वी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। डी यू इंटरनल एनर्जी बराबर सी वी डी टी हो सकता है, और वर्क डन बराबर पी डी वी होता है। इसको लेकर के भी एक वीडियो हम बनाए हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांसन इन एडियाबेटिक एक्सपांसन कैसे डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी होता है, उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिए। तो सीवी क्या है, द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आप लोग जानते हैं दो तरह का स्पेसिफिक हीट होता है, एक होता है सीवी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है सीपी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट क्या होता है ना, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट वॉल्यूम में बढ़ाने के लिए जो हीट आपको देना पड़ेगा दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हम लोग जब कुछ अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे दिए तो हीट देने से उस सिस्टम का एंट्रोपी में चेंजेस कुछ देखने को हम लोग को मिलेगा। तो मान लिया जाए थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, इनिशियली मान लिया जाए सिस्टम किस अवस्था में था, P1, V1 और T1 अवस्था में था, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद वो सिस्टम चेंज हुआ एक न्यू स्टेट में P2, V2 और T2। तो चेंज इन एंट्रोपी ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जो डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी था बड़ा, अगर मैंने अगर डेल्टा एस अगर लेंगे तो डी क्यू बाई टी इंटीग्रेशन हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या है ना, P1 प्रेशर तो चेंज हो रहा है P2 में, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है V2 में, T1 टेम्परेचर चेंज हो रहा है T2 में, तो DQ के जगह में ये पार्ट हम लिख सकते हैं और T डिवाइड करेंगे तो इसके साथ में T डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ में T डिवाइड हो जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हमारा बना। अब हम लोग एंट्रोपी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, पहले टेम्परेचर वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर निकालेंगे, और इसी तरह से आप लोग अगर निकालना चाहें तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में भी आप लोग निकाल सकते, बहुत ही आसानी है। तो एक सिंपल हम लोग गैस इक्वेशन जो लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV = RT जो वाला होता है, यहाँ से इसी फार्मूला से P/T = हम लिख सकते हैं R/V। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा एस इक्वल टू CV/dT बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन टू, इसमें भी डाल देंगे डीवी का डीवी लिखे P/T के जगह में हम लोग लिख सकते हैं R/V, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हमारा इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अगर लेंगे तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में हमको लेना पड़ेगा, प्रेशर को छोड़ देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या ना, इसी में इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है, टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1,
कांस्टेंट होता है dt by t equal to log t, और लिमिट है हमारा t1 से t2, और dv by r तो है जस्ट कांस्टेंट r बाहर, dv by v equal to log v होगा, और कहां से ना v1 से v2। अब हम लोग t के जगह में वैल्यू पुट करेंगे, तो log t2 minus log t1और log v2 minus log v1, उसको सिंपली हम लोग ले सकते हैं log m minus log n का फॉर्मूला होता log m by n, तो log t2 minus log t1 के जगह में लिख सकते हैं log t2 by t1, और v2 minus v1 के जगह में लिख सकते हैं log v2 by v1। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल है log entropy in terms of pressure and volume, sorry temperature and volume। अब हम लोग entropy in terms of temperature and pressure हम लेंगे, तो वही इक्वेशन हम लेते हैं pv equal to rt, यहां से v equal to हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि वॉल्यूम जहां पर आएगा वॉल्यूम को हटा देंगे क्योंकि हम लोग को टेंपरेचर और प्रेशर के टर्म में हम लोग निकालना। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, इस इक्वेशन को, तो ये p और v दोनों ही तो वेरिएबल है, एक बार p को कांस्टेंट मानिए v का डिफरेंशिएशन dv, एक बार v को कांस्टेंट मानिए p का डिफरेंशिएशन dv, r तो हमारा केस कांस्टेंट है तो t का डिफरेंशिएशन है dt, यहां पर p v t तीनों को वेरिएबल मान करके डिफरेंशिएशन हम किए। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं पी डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर डी टी माइनस वी डी वी। तो हमारा मकसद है ये जो इक्वेशन में, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तो हमारा पहला मकसद है इस डीवी को हटाना, ये जो डीवी है या तो बोलेंगे पी डी वी, मैंने वॉल्यूम को हमारा हटाना, क्योंकि आंसर में टेम्परेचर और प्रेशर आना चाहिए। तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगा हमारा डेल्टा एस इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ले रहे थे, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में हम लेंगे, वॉल्यूम के यहाँ पर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है सी डी है डी टी बाई डी टी, पी डी डी के जगह में, पी डी डी के जगह में ये पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर पी डी डी के जगह में जो हम लोग ये पार्ट लिख रहे यहाँ से फिर से तो भी आ गया, तो उसको भी हमको हटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या सी डी डी टी बाई डी टी, और दूसरा इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए, फिर इसको इसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए सी वी डी टी बाई डी आर डी टी बाई डी, यहाँ पर वी बाई टी होना चाहिए, वी बाई टी ऑफ डी बी, वी बाई टी इंटू डी बी ये होना चाहिए। तो वी बाई टी के जगह में क्या लिख सकते हैं, देखिए पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो वी बाई टी इक्वल टू आर बाई टी, तो वी बाई टी के जगह में लिख सकते हैं आर बाई टी, तो वॉल्यूम तो हट गया। और एक दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ पर सी वी है हमारा, तो भी को हमने हटाना, तो थोड़ा देर बाद इसको हम हटा लेंगे। तो फिर से ये इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, ये इक्वेशन आर डी टी बाई डी, तो आर डी टी बाई टी ये ब्रैकेट को हम हटा देंगे, इसमें देखिए डी टी बाई टी है, इसमें भी डी टी बाई टी है, तो कॉमन ले सकते हैं डी टी बाई टी माइनस आर डी टी। आप लोगों को याद होगा रिलेशन, ये जूनियर लेवल में पड़ा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, तो R प्लस सी वी अगर होगा तो उसके जगह में लिखेंगे सी पी, तो सी वी को भी हटा देंगे, तो सी पी प्लस R के जगह में लिख सकते हैं सी पी, तो ये बन गया सी पी डी टी बाई डी माइनस आर डी टी बाई पी। तो इंटीग्रेट कर लेने से अभी सी पी तो है कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी, और लिमिट पुट करेंगे टी वन से टी टू, यहाँ पर डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन होगा लॉग पी, लिमिट पुट करेंगे P1 से P2, तो बहुत ही आसान है। इसमें लिमिट अगर हम पुट कर दे रहे हैं तो लॉग क्या होगा T2 माइनस P1 को लिख सकते हैं लॉग T2 बाई T1, और यहाँ पर P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं लॉग P2 बाई P1। तो दिस इज अवर एंट्रोपी चेंज इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड यहाँ पर एंट्रोपी का चेंज हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में दिखाएं। इसके आगे भी आप लोग जा सकते हैं सी नंबर में, आप हम लोग कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर हमको लेना है तो इक्वेशन वन जो है उसी में पुट करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी, लेकिन उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में अगर हम लोग लेंगे तो उसमें टेम्परेचर को हटाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को अगर हटाना पड़ेगा तो टी इक्वल टू पी वी बाई आर, ये हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा टी इक्वल टू पी वी बाई आर, लेकिन और एक जगह में ये सब तो T है, T के जगह में हमको लेना पड़ेगा पी वी बाई आर, और एक तो लेना पड़ेगा पहले तो T इक्वल टू लेना पड़ेगा कितना पी सॉरी यस T इक्वल टू पी वी बाई आर, और दूसरा और एक तो लेना पड़ेगा डी टी।
तो डी टी जो हम लोग लेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएट करना, आर तो है कांस्टेंट, आर का आर है तो पी डी वी प्लस वी डी वी। ऐसा करके अगर हम लोग इक्वेशन वन में पुट करके आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो होगा एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बहुत ही सिंपल है एंट्रोपी, परफेक्ट गेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।